अब्दुल्ला मॉल मैनेजमेंट की जानिब से और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैदराबाद के इश्तराक से अब्दुल्ला मॉल में दो रोजा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने सिंध की सकाफत से मुजयन मलबूसात के स्टॉल्स लगाए और अपने फन और कारोबार को लोगों के सामने पेश किया। हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, जो एक्चुअल जो हमारा पर्पस है, काम है। हम लोगों ने फ्लड के अंदर काम किया था, चार स्पेसेस हमारे चल रहे थे, लाड़काना में, दादू में, सांगड़ में, मिरपुरखास में। उसमें हमने खवातीन को जो है एक सेफ स्पेस दिया था, एक ऐसा माहौल दिया था 40-50 खवातीन को, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है उसमें सेफ स्पेसेस बनाए थे। दो दो चार आठ हमारे सेफ स्पेसेस बने हुए थे वहाँ पर। उसमें जो हम लोगों ने उनको ऐसी एक्टिविटीज करवाई थी जिससे वो ट्रामा से निकल सके। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, वरना मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, इसीलिए मैं आई हूँ चैम्बर्स में कि कुछ मेरे को एक्सपीरियंस हो, आगे बढ़ने की सलाहियत हो मेरे में। तो इस चैम्बर की वजह से मैं बहुत से चैम्बर्स ऐसे, इस बिनिश चैम्बर जो स्टार्ट किया उन्होंने मैम ने, कि आगे बढ़ें। हमारी खवातीन बहुत सी पीछे रह चुकी हैं इस वजह से। अब्दुल्ला मॉल में दो दिन का हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैम बिनिश की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है सारा का सारा। मैंने यहाँ पे अपना हैंडीक्राफ्ट का जो स्टॉल लगाया है उसमें सेरेमिक का वर्क है सारा, व्हील पोट्री है, पेंटेड पोट्री है, क्ले की ज्वेलरी है। और यहाँ पे अगर कोई लोग पसंद करते हैं अपने रूम और डेकोरेशन के हिसाब से ना, वो कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं। रश भी हो रही है आस्ते आस्ते, हम लोगों ने सब ये हाथों की चीज़ें बनाई हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं। हम चाहते हैं कि आइंदा भी लगते रहें, और अपना माल तो बहुत ही अच्छा है, अच्छी वैरायटी है। और यहाँ पर एक एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, आप लोग आके आराम से अपनी वैरायटी जो भी देख सकते हैं। गोटा वर्क बहुत बहुत लाइट काम किया हुआ और अच्छा काम किया हुआ है, और रीज़नेबल है, आके हर कोई ये यहाँ से ले सकता है। मैंने भी यहाँ से शॉपिंग की है खुद। अब्दुल्ला मॉल में मैंने फर्स्ट टाइम स्टॉल लगाया है, और इधर ऑडियंस भी आ रही है और देख रहे हैं, कस्टमर्स है, डीलिंग अच्छी हो रही है, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ। बस आ रहे हैं कस्टमर, अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कराची से आए, तो ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं हमारे कि हम लोगों ने काफ़ी हैंडमेड चीज़ें बनाई हैं। ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैम बिनिश ने बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है कि हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक अच्छा क्राउड आता है, वहाँ पे हम अपना जो है क्राफ्ट जो है वो शोकेस कर रहे हैं। फेस्टिवल में ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि सिंध भर से लोग शरीक हुए और खवातीन के बनाए मलबूसात खरीदे और उनकी हौसला अफजाई भी की। फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद कारोबारी शोबे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की हौसला अफजाई करना और आगे बढ़ने में उनकी मदद करना था।